ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दबाजी में बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों के बीएससी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है और एक एक प्रैक्टिकल डिटेल में बनाकर अपलोड करने का समय मेरे पास नहीं है क्योंकि एक प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड करने में और उसको एडिट करने में काफ़ी समय लगता है। तो इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर का 5 प्रैक्टिकल एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसका वाइवा भी इसमें कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी ये प्रैक्टिकल मैं एक ही वीडियो में आपको जल्दी से बता देता हूं जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो इसमें जो हमने पहला प्रैक्टिकल लिया है वो है LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। ये प्रैक्टिकल मैं इस वीडियो में छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं पूरा डिटेल में समझा के पहले ही चैनल पे अपलोड कर लिया हूँ, तो आप लोग को मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जो सेकेंड है वो है मैक्सवेल AC या मैक्सवेल LC ब्रिज। तो ये जो है ये आप लोग का ऑपरेटस है, मैक्सवेल AC ब्रिज या LC ब्रिज भी इसको बोलते हैं। इस प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। इस मैक्सवेल LC ब्रिज से हम किसी भी अननोन इंडक्टेंस का मान निकालते हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल समझाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मैक्सवेल ब्रिज है ये उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो सर्किट होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें 4 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से लगाया जाता है और ये बीच में हमने यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगाया है और यहाँ पे ये बैटरी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक खासियत होता है कि संतुलन के स्थिति में P/Q यानी ये पहला रेजिस्टेंस P/Q बराबर R/S होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आमतौर पर केवल 4 रेजिस्टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब ये संतुलन की स्थिति से क्या मतलब है? संतुलन की स्थिति से मतलब है, देखिए यहाँ ये बैटरी लगा है तो यहाँ से ये करंट चलेगा, फिर यहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा, फिर आगे करंट जाएगा तो यहाँ से फिर इसको 2 शाखाएँ मिल रही हैं। लेकिन संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला जो टर्मिनल है ये जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है करंट को मेज़र करने के लिए और उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करने के लिए, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता बैलेंस कंडीशन में या संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में ही ये फार्मूला लागू होता है। तो जब संतुलन की स्थिति में कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब यही जो कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यही मैक्सवेल LC ब्रिज में भी लागू होता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे जो है उसमें मैक्सवेल LC ब्रिज में यहाँ पे इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और वो AC ब्रिज है यानी वहाँ पे ये DC बैटरी न लगा के हम यहाँ पे कोई AC सिग्नल सोर्स लगाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा, तो उसको रेजिस्टेंस ना बोल के हम उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। बाकी फार्मूला यहीं पे लागू होता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ही तरह दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पहले वाले टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पे उसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस C लगा हुआ है। इस वाले टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे R3 और इसी वाले में ये एक L इंडक्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे है R4 रेजिस्टेंस। तो या और हाँ, यहाँ पे ये जो बैटरी लगाया गया है ये देखिए, ये DC बैटरी नहीं है, ये 1 kHz का ये AC सिग्नल सोर्स है जो कि यहाँ से हम इसको ये सिग्नल दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है 1 kHz का, और यहाँ से ये हमने यहाँ पे ये सिग्नल, ये देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल और दूसरा यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं मैक्सवेल LC ब्रिज का। ये यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिख सकता है रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है यहाँ पे R2 है लेकिन यहाँ पे इसमें ले लिया गया है R3, और यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे इस बुक में R4 है और यहाँ पे ये L है, सो ये L है, यहाँ पे R2 लेकिन इसमें यहाँ पे R4 है। तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा केवल फार्मूले में अंतर आएगा। तो वही यहाँ पे भी वही व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में संतुलन की स्थिति में ये वाला जो टर्मिनल है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए, वहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था करंट के डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पर क्या है AC सिग्नल है, तो AC सिग्नल होने के कारण हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ये एक हेडफोन लगाएंगे
क्योंकि ये जो 1 किलोहर्ट्ज़ का ये जो सिग्नल है ये ऑडिबल रेंज में आता है, और अब आप इसको हेडफोन से सुनेंगे तो इसमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ऑडिबल रेंज जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच का ये सिग्नल है। इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर ना लगा के हेडफोन भी लगा देंगे तो वो बीप सुनाई देगा, और उसी बीप से हम जान जाएंगे कि इसमें करंट, इस वाले टर्मिनल में भी करंट यहाँ पे सिग्नल जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप इसका एनालिसिस देखेंगे पूरा ये कैलकुलेशन, तो लास्ट में जैसा कि मैंने शुरू शुरू में बताया था, इस मैक्सवेल एलसी ब्रिट्स से हम अननोन इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे L बराबर R2 R3 इंटू सी आ रहा है फॉर्मूला। ये जो हमारा यहाँ पे ये जो इंडक्टेंस लगा है ये अननोन है, बाकी सभी पैरामीटर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए R2 के लिए ये रेजिस्टेंस का वेरिएबल किट है, ये वाला R4 के लिए है, और ये कैपेसिटर के लिए है, और ये जो है यहाँ पे ये देखिए ये अननोन 3 इंडक्टेंस हैं। इन्हीं 3 L1 L2 जिस पे भी हम सेट कर देंगे उसका मान हमें निकालना है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, हालांकि हम इससे बाहर से फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हम इसी में से देते तो यहाँ पे ये R1 का टर्मिनल है, इसको हम 1K यहाँ पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये फार्मूला R2 R3 इंटू सी है, लेकिन हमारा ये सर्किट थोड़ा सा अलग है, तो जब इसका हम एनालिसिस करेंगे तो इस सर्किट के लिए जो हमारा फार्मूला निकल के आता है मैक्सवेल ब्रिज में, वो जो हमारा फार्मूला बन के आता है वो बन के आएगा यहाँ पे L इंडक्टेंस L इक्वल टू सी R2 इंटू R4। तो R2 यहाँ पे ये टर्मिनल है जो कि इस सर्किट में यहाँ पे लगा हुआ है, और R4 जो है ये यहाँ नीचे लगा हुआ है। इन्हीं R2 और R4 को हम वेरी करके इसको बैलेंस कंडीशन में लाएंगे। बैलेंस कंडीशन मतलब क्या हुआ? अच्छा, उस दौरान हमारा C कोई किसी एक कैपेसिटर पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये मैंने L1 पे फिक्स कर दिया है, मुझे L1 की वैल्यू निकालनी है, तो इस L का तो L1 की वैल्यू निकालनी है, उस समय हम मान लीजिए C को यहाँ पे कोई पॉइंट पे फिक्स कर दे, मान लीजिए 0.1 यहाँ पे ये माइक्रोफेरेट पे मैंने C फिक्स कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये 0.01 है, ये 0.1 है, फिर 0.22 है, तो ये मैंने इस पर सेट कर दिया। तो C की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन अभी हमें R2 R4 की वैल्यू नहीं पता है। R2 R4 जैसे ही पता चलेगा हम इस फार्मूले में रख देंगे, L बराबर C इंटू R2 R4, L की वैल्यू आ जाएगी। तो ये R2 R4 हमें ऐसा सेट करना है कि ये जो हमारा मैक्सवेल ब्रिज है ये संतुलन की स्थिति में आ जाए। तो फिर से एक बार हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर जाएंगे और उसके संतुलन के कंडीशन का सोचिए, कब संतुलन में आया था? जब इसमें कोई करंट फ्लो ना करे। तो यानी हम इसको R2 और R4 को ऐसे वेरी करेंगे कि इसमें कोई करंट ना आए, यानी हमारे हेडफोन में कोई बीप ना सुनाई दे। तो कोई बीप ना सुनाई दे इसके लिए हम ये पहले R2 को वेरी करेंगे। जैसे जैसे R2 को वेरी करते चले करेंगे हमारा जो बीप होगा वो कम धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा। फिर उसके बाद जब इससे स्लो होना बंद हो जाए तो R2 को बढ़ाएंगे। तो इसको बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक बीप एकदम या तो बंद ना हो जाए, स्लो ना हो जाए। तो बंद तो नहीं होता है, काफ़ी हद तक एकदम धीमा हो जाता है, वहीं पे रुक जाएंगे। जितना R4 आएगा, जितना R2 आएगा, वही वैल्यू हम अपने इस टेबल में मेंशन कर देंगे और उसमें वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे L1 पे हमने इसको पुट किया है, तो ये फाइल में L1 पे किया गया है। ये L1 में पुट करके कैपेसिटेंस को 0.22 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे इसको 0.22 माइक्रोफेरेड किया गया है। फिर यहाँ पे वेरी किया गया है, पहले वैसे R4 को ही वेरी किया जाता है, फिर R2 को। तो हम R4 को यहाँ से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए R4 एक किलो ओम के मल्टीपल में बढ़ेगा, यानी यहाँ पे ये अगर मेरा ये यहाँ पे 0 है तो 0, 1 है तो 1 किलो ओम, यहाँ पे किया तो 2 किलो ओम। उसी प्रकार मान लीजिए ये 2 किलो ओम पे ये मिनिमम हो गया, अब इससे बीप कम नहीं हो रहा है, तो मैं इसके ये भी R2 है, मल्टीप्लायर है, तो अब हम मैं इसको वेरी करूँगा। तो मान लीजिए इसको मैंने ये 3 पे सेट कर दिया, तो देखिए 1 किलो ओम यहाँ से और यहाँ पे 3 × 100 यानी 300 ओम, तो ये कितना हो गया? 1300 ओम हो गया ये दोनों मिला के। फिर ये देखिए 10 के मल्टीपल में है, तो मान लीजिए मैं इसको बढ़ा के ये यहाँ पे 7 पे सेट कर दिया, तो यानी 7 × 10 यानी 70, तो हमारा ये टोटल R4 कितना हो गया? यहाँ से देखिए ये 2 पे था तो 2 किलो ओम हुआ, यानी 2000 ओम। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 पे है तो ये 2300 यानी 2300 ओम, और ये यहाँ पे 70, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आएगा 2000 ओम, 2 किलो ओम है यानी 2000 ओम, और यहाँ पे 103 यानी 300, और यहाँ पे 7 × 10 यानी 70, तो ये कितना हो जाएगा? 2370, यानी इस समय रेजिस्टेंस R4 कितना हो गया? 2
2370 ओम पे सेट हो गया। मान लीजिए अब इसके बाद ये बीप कम नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको बढ़ाएंगे R2 को। R2 में भी वैसे ही मल्टीप्लायर है 100 ओम का और ये 10 ओम का। मान लीजिए इससे मैं 2 पे है तो ये 200 ओम हो गया, इसको मैं 3 पे कर देता हूँ तो ये 30, तो ये 230 ओम हो गया। तो R2 भी पता चल गया, R4 भी पता चल गया। मान लीजिए इतना सेट करने पर ये बीप इसमें मिनिमम हो गया है, तो हमारा R2 R4 भी पता चल गया, C यहाँ से पता चल गया, और हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल में भी देख रहे हैं L1 पे ये C है, ये R2 R4, यहाँ से ये फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा L का वैल्यू। इसी प्रकार हम दूसरे इंडक्टेंस को अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको L2 पे कर देंगे, फिर वही से पूरा कंडीशन सेट करेंगे हम इसको। तो अब मैं ये प्रैक्टिकल आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं कि करना कैसे है। देखिए यहाँ से मैं इसको ये ऑन कर देता हूँ, ये हमारा ये ऑन हो गया है, ये फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर यानी 1 kHz का सिग्नल यहाँ पे आ चुका है। और ये यहाँ पे मैं सभी रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देता हूँ, ये भी ज़ीरो, ये R4 के तीनों मल्टीप्लायर ज़ीरो, R2 के दोनों मल्टीप्लायर ज़ीरो, और ये कैपेसिटेंस को मैं 0.1 पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब ज़ीरो पे है, और ये मैं L1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये L1 पे सेट है। तो आप देखेंगे इसमें अभी ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इसमें बीप, इसमें अगर आप सुनेंगे तो ये आपको ये देखिए इस प्रकार से इसमें ये बीप सुनाई दे रहा है। मैं इसमें माइक यहाँ पे करके आपको सुनाता हूँ, ये बीप आपको सुनाई दे रहा होगा। अब मैं अगर जैसे जैसे R2 और R4 मैं बदलूंगा, आप देखेंगे ये बीप कम होता जाएगा, और ये बीप मुझे मिनिमम करना है। क्यों? बीप मिनिमम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले टर्मिनल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ये हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। तो ये मैं माइक यहाँ हेडफोन के पास रख के मैं आप लोगों को ये बीप कम होते हुए दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने इसको बढ़ाया, ये देखिए 3 kΩ पे कर दिया, बीप थोड़ा कम हो गया होगा। इसको भी बढ़ाते हैं कम, ये मान लीजिए इतने पे कम पे हो गया, फिर इसको बढ़ाएंगे ये, अब देखिए बीप काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसी पे रुक जाएंगे और ये R4 और R2 की वैल्यू लिख लेंगे। C की वैल्यू है 0.01, वैल्यू लिखना मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे 3 पे है तो 3 kΩ, 2 पे है तो 2×100 यानी 200, ये 1 पे है तो 1×10 यानी 10, फिर सबको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ये R2 के लिए, ये देखिए 2 पे है तो 2×100 यानी 200, ये 1 पे है तो 1×10 यानी 10, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार से ये इसमें हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैक्सवेल ब्रिज आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, और इसके थोड़े वाइवा आप लोग ये सर्किट एनालिसिस देख लीजिएगा। और ये सर्किट मूल रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग यहाँ पे AC सिग्नल नहीं लेते, यहाँ पे DC बैटरी होता है, इसीलिए यहाँ पे हेडफोन ना लगा के हमें वो गैल्वेनोमीटर लगाना होता है। ये लास्ट में एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो R2 है ये वेरिएबल है, और ये रेजिस्टेंस का ये नॉब है, ये दोनों R2 का। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये R4 वेरिएबल है, इसका नॉब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लायर में है। ये जो L यहाँ पे लगा है ये इसको शो ये करता है L1 L2 L3, जिस पे सेट करेंगे L2 पे करेंगे तो वो L2 पे हो जाएगा, L3 पे करेंगे L3 पे हो जाएगा। R3 यहाँ पे ये इसका कोई विशेष इसमें इस सर्किट को चेंज करने में इसका कोई विशेष रोल नहीं होता है, और यहाँ पे ये जो R1 है ये भी इसका भी कोई विशेष रोल नहीं होता है। ये C जो है वो यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे अगर 0.1 करते हैं तो यानी ये C कितना हो गया, 0.1 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे, फार्मूले में सिर्फ R2 और R4 आया है, R3 और R1 फार्मूले में नहीं है, वो R3 और R1 से इंडिपेंडेंट होता है ये इंडक्टेंस का मान। तो ये मैक्सवेल ब्रिज है, इससे हम लोग अननोन इंडक्टेंस का हम लोग मान कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ के प्रैक्टिकल का सेटअप। इस प्रैक्टिकल के सेटअप में देखिए ये एक ऑप्टिकल बेंच होता है, ये जो देख रहे हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस ऑप्टिकल बेंच पे ये मान लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिएगा ये 0 cm, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये 10 cm, फिर इसी प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 20 cm, और ये पूरा का पूरा ये ऑप्टिकल बेंच ये यहाँ तक आता है, ये 100 cm यानी 1 m का ये पूरा का पूरा ये ऑप्टिकल बेंच है। ये इस ऑप्टिकल बेंच पे
यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, इससे लाइट निकलेगा प्रकाश जिसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। फिर यहाँ पे ये एक फोटो सेल लगा होता है, ये फोटो सेल आप लोग देख पा रहे हैं, ये फोटो सेल पे जब प्रकाश गिरेगा तो ये फोटो सेल का काम क्या क्या होता है, जितने इंटेंसिटी का यहाँ पे प्रकाश गिरेगा वो उस प्रकाश को इक्विवेलेंट करेंट में बदल देता है। फोटो सेल क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो करेंट यहाँ पे ये बदलेगा उस करेंट को हम यहाँ ये गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये एक फोटो सेल होता है, प्रकाश सोर्स होता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, और ये पूरा ऑपरेटस ये एक ऑप्टिकल बेंच पे कसा हुआ होता है, जिसमें ये दूरी इनके इसके और इसके बीच की दूरी पता करने के लिए ये यहाँ पे ये रीडिंग्स लिखे होते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में करना क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका थ्योरी और पहले वाइवा देखते हैं, फिर मैं इसको करके बताता हूँ। तो हम थोड़ा सा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को देखते हैं। इस समय मैं डार्क रूम में हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ प्रकृति का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है। जैसे कि आप लोग ये न्यूटन का नियम पढ़े होंगे, न्यूटन का ग्रेविटेशनल नियम, कि दो पदार्थ अगर जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F(E)J प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो जब कोई भी क्वांटिटी कुछ इस प्रकार का प्रोपोर्शनैलिटी शो करता हो डिस्टेंस के साथ, यानी बल EJ प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रकृति में कई जगह देखने को मिलता है, जैसे जो प्रकाश की तीव्रता होती है आई, ये भी दूरी के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी जैसे जैसे सोर्स और जो स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है इंटेंसिटी जो होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शन से घटता जाता है। तो यही है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि मैं बोल रहा हूं प्रकृति में कई जगह पे होता है, जैसे कूलाम के नियम में भी दो चार्ज के बीच का जो बल होता है वो उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कई जगह प्रकृति में पाया जाता है, हमें इसी को वेरीफाई करना है कि क्या ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें इसको, जब भी कोई ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी होता है तो आप लोग जानते हैं, अगर कहीं मान लीजिए y प्रोपोर्शनल टू x है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ x एक्सिस ले लूँ, ये y एक्सिस ले लूँ, तो इसका ग्राफ एक सीधा रेखा बनता है जो यहाँ ओरिजिन से पास होता है। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं देखिए दूरी लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं x एक्सिस पे 1/r² ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे यानी x का पूरा वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1/r² यहाँ x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ लाइट की इंटेंसिटी। तो y एक्सिस पे अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी ले लूँ और x एक्सिस पे 1/r², तो जब ये मैं दूरी भी पता कर लूँगा और इंटेंसिटी भी, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधा रेखा, यानी अगर इस प्रकार का मैं ग्राफ प्लॉट करने में कामयाब हो जाता हूँ i और 1/r² के बीच में, तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं सोर्स और फोटो सेल के बीच का दूरी तो पता कर लूँगा, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे, इंटेंसिटी पता करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जो डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी पढ़ सके। तो इसके लिए हम एक व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था ये करते हैं क्यों ना क्यों ये जो लाइट वहाँ पर जा रहा है फोटो सेल पर गिर रहा है उसके इंटेंसिटी को हम करेंट में बदल दें। क्यों, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होता है फोटो सेल के द्वारा पैदा किए गए करेंट का, यानी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटो सेल ज्यादा करंट पैदा करेगा और वो करंट मैं गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लूंगा, और लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो वो कम करंट पैदा करेगा। तो यहां पे मैं लाइट के इंटेंसिटी को गैल्वेनोमीटर के करंट से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लाइट के इंटेंसिटी को मैं डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, और ये लाइट जब फोटो सेल पे जाके गिरेगा तो फोटो सेल उस इंटेंसिटी को करंट में बदल देगा और उस करंट को मैं गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लूँगा। अब चूंकि ये करंट और लाइट के इंटेंसिटी का लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे करंट को वाई एक्सिस पे रखूँगा और एक्स एक्सिस पे 1/r² को, यानी हमारे एक्सपेरिमेंट का पूरा मकसद है कि सोर्स लाइट सोर्स और जो फोटो सेल लगा है उनके बीच का मैं वेरियस दूरी मेजर करता जाऊँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा वो कुछ इस प्रकार के बनेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम एक्स एक्सिस पे 1/r² ले लेते हैं, ये फोटो सेल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोर्स
और लाइट सोर्स और फोटो सेल के बीच का ये कई दूरी ले लेंगे, जैसे ये देखिए 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18, ये दूरी ले लिया गया है। फिर उसके बाद आर कैलकुलेट, ये दूरी आर हो गया, फिर मैं आर का स्क्वायर करूंगा, फिर 1/r² ले लूँगा और हर दूरी के करस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा वो हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें यही पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल कैलकुलेट करना है और बाद में हम इसका जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। 1/r² यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन यानी वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में मिल रहा था। तो इसके लिए हम फिर से थोड़ा सा ऑपरेटर्स की ओर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ये ऑपरेटर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो फोटो सेल है ये इसका हम इनिशियल पोजीशन नोट कर लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ ज़ीरो पे है, ये ज़ीरो है, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी फोटो सेल हमारा 0 पे ना सेट होके 2 पे है। तो अगर ये 2 पे है तो इसको याद रखिएगा, आप 0 पे भी सेट कर सकते हैं पर मैं इसको पहले 2 पे कर देता हूँ। और फिर ये हमारा लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स मान लीजिए मैं एट रैंडम यहाँ पे पहले कहीं सेट कर देता हूँ। जैसे देखिए ये 30 पे है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 30 पे है, तो लाइट सोर्स तो 30 पे है और फोटो सेल कितने पे है? 2 पे। तो 0 से लेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये ऑलरेडी 2 पे है, ये 30 पे है, तो 30 - 2 यानी इस समय इनके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम दूरी मेजर करते जाएंगे। तो मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ, उसके लिए मैं ये इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा जो लाइट सोर्स है ये ऑन हो गया और लाइट सोर्स ऑन होते ही देखिए ये गैल्वेनोमीटर में आप ये करंट देख पा रहे होंगे। ये देखिए जैसे ही मैं लाइट सोर्स को ये बंद करता हूँ हाथ लगा के, ये देखिए गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो गया। जैसे ही मैं अपना ये हाथ हटाऊंगा देखिए ये करंट बढ़ गया। इसका मतलब ये इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी को करंट में बदल दे रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें रीडिंग लेने के लिए, सबसे पहले मैं इस लाइट सोर्स को इसके सबसे पास लेके आता हूँ, देखता हूँ कितने तक ये गैल्वेनोमीटर की, ये देखिए मैं इसको पास ला रहा हूँ, यहाँ पे पास ला रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये करंट बढ़ता जा रहा है। तो 30 से ज़्यादा तो मैं मेजर नहीं कर सकता, तो जहाँ पे ये 30 तक बता रहा है मैं ये बस यहीं पे रुक जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ये लाइट सोर्स को पीछे खिसकाता रहूँगा और करंट को मेज़र करता रहूँगा और मेरा ये टेबल बनता रहे। तो इनिशियल पोजीशन हमारा फोटो सेल का कितना है? 2। तो जितना भी ये लाइट सोर्स का जितने भी रीडिंग आएंगे सब में से हमें 2 घटा के लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम इसका इनिशियल पोजीशन जो यहाँ पे ये टेबल में भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर हमारा स्केल ये फोटो सेल का है, ये पहले ही से 2 सेंटीमीटर पे है। अब मैं इसके बीच का देखिए दूरी देख रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ये फोटो सेल ये दूरी है यहाँ पे ये 15, फिर यहाँ पे ये 16, 17, 18, तो ये 18 पे ये देखिए ये इसका ये पोजीशन है, ये 18 सेंटीमीटर पे है। तो मैं यहाँ पे ये 18 लिख दूंगा, मान लीजिए ये तो पुरानी फाइल है, 18 लिख दूंगा, लेकिन R निकालते वक्त मैं इस 18 में से इस 2 को घटाऊंगा। जैसे कि देखिए इसका 14 आया था तो इसने 14 में से 2 घटा के 12 किया, मेरा 18 आया है तो मैं 18 में से 2 घटा के इसको 16 लिखूंगा। तो मेरा दूरी आर आ गया 16, मैं 16 का स्क्वायर करूंगा और 1/16 का स्क्वायर कर दूंगा, ये 1/r² की पोजीशन आ जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन इस वाले में 30 मेज़र कर देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं इसको थोड़ा सा पीछे, मैं ये 18 है तो मैं 2-2 के अंतर पर देखिए ये मैं इसको 20 पे कर दिया। तो जब मैं ये 20 पे कर दिया तो इस समय मेरा देखिए ये करंट कितना बता रहा है, डिफ्लेक्शन ये बता रहा है यहाँ पे ये 20 और इसका लिस्ट काउंट कितना है, देखिए 0 से जैसे लिस्ट काउंट निकालना है तो ये देखिए 0 से 10 के बीच में 10 खाने हैं, तो 10 एम्पियर 10 खानों में बता रहा है, तो एक खाने में कितना बताएगा, 1 डिफ्लेक्शन बताएगा, यानी 20 और 20 के बाद एक खाना है तो कितना लिखेंगे डिफ्लेक्शन, 21 लिख देंगे। तो उसी प्रकार अब ये 20 है और इसका पोजीशन 2 है, तो अगेन मैं इसको पहले 20 लिखूंगा, फिर आर निकालते वक्त 20 - 2 यानी इस समय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 18 है। तो ये बीच की दूरी 18 पे डिफ्लेक्शन है 21, तो उसी प्रकार जैसे ये 30 था देखिए यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन 21 लिख दूंगा, लेकिन उस समय मेरे दूरी कितनी है 18 यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी 20 यहाँ पे लिखूंगा, 20 में से 2 घटा के 18 यहाँ पे लिखूंगा, 18 का स्क्वायर करूंगा, 1/18 का स्क्वायर करके ये पूरा रीडिंग मैं कैलकुलेट कर लूंगा। इसीलिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इसको धीरे धीरे इस ऑप्टिकल बेंच पे पीछे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जैसे जैसे पीछे जाएगा यहाँ ये फोटो सेल में ये देख पा रहे हैं करंट कम होता जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे और ये पास लाएंगे तो ये देखिए जैसे जैसे ये फोटो सेल के पास आएगा ये करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए ये पास आने पे ये यहाँ पे ये करंट बढ़ता जा रहा है, इस समय मैं बिल्कुल पास ला दिया हूँ इसके।
तो इस प्रकार से ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का हम रीडिंग पूरा निकाल लेंगे, और रीडिंग निकालने के बाद इसका हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का बिल्कुल थ्योरी भी सही है, कोई क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ करते हैं, और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया लाइट के इंटेंसिटी का और फोटोसेल का प्रयोग करके। ध्यान दीजिएगा, ये फंडामेंटली लाइट की इंटेंसिटी इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी को डायरेक्ट मेजर करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो पहले मैं इसके इंटेंसिटी को फोटोसेल से करंट में मेजर करूंगा, और ये यहाँ से डिफ्लेक्शन लेके ये यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉग के बारे में आप लोग थोड़ा वाइबा अपने तरफ से भी देख लीजिएगा। अब हम लोग जिस प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे वो प्रैक्टिकल बीएससी सेकेंड ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, और सबसे ज़्यादा वाइवा इसी से बनेंगे। इसमें ये है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। हमें न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में किसी भी का प्रयोग करते हुए किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके सभी कंपोनेंट के बारे में हम पहले बात करते हैं। ये देखिए, ये है सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प है, इसमें से ये पीले कलर का प्रकाश निकल रहा है जो कि मोनोक्रोमेटिक एक प्रकार का लाइट है, हालांकि परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है। आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि जो सोडियम लाइट होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है। ठीक है, सोडियम लाइट में दो लाइनें होती हैं, दोनों लाइन के वेवलेंथ में बहुत कम का अंतर होता है, वो आप लोग ज़रूर से तैयार करेंगे। उसको कमेंट में भी बताइएगा कि इसका वेवलेंथ, इस सोडियम लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है लेकिन आइडियली नहीं। तो ये यहाँ से सोडियम लैम्प है, यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, हम फिर भी इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट ही मान के चलेंगे। फिर यहाँ से ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ये यहाँ इस मिरर पे आता है, इधर ये आप देख पा रहे होंगे ये लाइट यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे ये इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस से लाइट आगे जाएगा इस मिरर पे, इस मिरर से यहाँ टकरा के कुछ लाइट नीचे आता है, फिर यहाँ पे नीचे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक मिरर पे रखा हुआ है, और वहीं से दो लाइटें स्प्लिट होके यहाँ पे ऊपर की ओर आती हैं और दोनों मिलके इंटरफियरेंस करती हैं, और जिससे यहाँ पे ये रिंग, न्यूटन रिंग इसी के अंदर बनता है। अब चूँकि न्यूटन्स रिंग जो होते हैं वो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस होती हैं, तो वो इसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और जो जिस पे हम लोग एक ग्लास प्लेट पे रखे होते हैं उसी ग्लास प्लेट के बीच में बन जाता है, फ्रिंजेस बनती हैं, रिंग्स बनते हैं, और वो लोकलाइज्ड रिंग्स होते हैं, नॉन लोकलाइज्ड नहीं होता है न्यूटन रिंग। नॉन लोकलाइज में वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं इंटरफेरेंस के बाद वो होते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे आप लोग एक वाइवा याद रखिएगा कि जो न्यूटन रिंग की फ्रिंजे बनती हैं वो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस होती हैं, क्योंकि वो नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजे जो हैं वो स्क्रीन और सोर्स के बीच में हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन लोकलाइज्ड फ्रिंजे एक जगह पर लोकलाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और जो ग्लास प्लेट होता है उसके बीच में रिंग्स बन गए, वो वहीं पे लोकलाइज्ड है, हम बस इस माइक्रोस्कोप के सहायता से उसको देखते हैं। तो इस न्यूटन्स रिंग का प्रयोग करके ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिससे पीले कलर का ये लाइट सोडियम लैम्प से निकल रहा है, इसी का हमें वेवलेंथ निकालना है इस पीले कलर का लाइट का। तो थोड़ा सा पहले ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में बात करूँगा। देखिए, यहाँ न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, यहाँ पर ये एक ग्लास प्लेट होता है, इस ग्लास प्लेट पे जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा रहता है जिसका एक सिरा ये प्लेन और दूसरा ये कॉन्वेक्स होता है, ये दोनों यहाँ पे ये टच करते हैं। तो जब कोई यहाँ पे लाइट मान लीजिए ये गिरा, तो ये लाइट यहाँ पे ये जाएगा, ये इस एक लाइट इस सतह से परावर्तित होकर ये ऊपर जाएगा, और दूसरा लाइट ये इससे अंदर जाएगा, और ये ग्लास प्लेट वाले से परावर्तित होकर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक यहाँ से परावर्तित होगा और एक यहाँ से, और ये दोनों प्रकाश किरण आपस में मिलकर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाएंगे। अब चूंकि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स ये कटोरी की तरह गोल होता है और ये ग्लास प्लेट पे पूरा रखा होता है, तो आप ये इसका लोकस देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक गोल पूरा का पूरा ये एरिया हो गया। इसीलिए ये लोकस जो इसके अंदर का ये जो एयर फिल्म है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये ग्लास प्लेट के बीच का जो एयर है उसका लोकस हमेशा एक सर्किल आएगा, इसीलिए ये रिंग जो है ये सर्कुलर बनते हैं। अब ये दोनों लाइट इंटरफेरेंस करेंगे और उसी के कारण हमें यहाँ पे फ्रिंजेस गोल एक सेंटर में और इसके अराउंड ये इस तरह से गोल गोल फ्रिंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें वो जो रिंग्स, वो जो फ्रिंजेस रिंग्स बन रही हैं उसी का डायामीटर निकालना होता है। तो इसके थ्योरी को पूरा देखें तो देखिए, ये यहाँ पे ये डायामीटर का फार्मूला, डायामीटर के टर्म्स में ये वेवलेंथ का फार्मूला आता है। ये जो मोनोक्रोमेटिक लैम्प है इसका वेवलेंथ बराबर डी एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बटे 4 आर एम माइनस
एन। यहाँ पे जो सभी पैरामीटर्स हैं आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ये जो आर है, यहाँ पे ये जो आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसकी वैल्यू की जिसकी की वैल्यू आपको दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे DM, तो कोई एक रिंग मान लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार से कई रिंग बने हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, तो कोई भी M ऑर्डर का रिंग है और ये N ऑर्डर का रिंग है बटे 4RM-N। तो ये असल में ये कैलकुलेशन मैं अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा रीडिंग लेना दिखा देता हूँ, तब यहाँ पे ये टर्म समझाना आसान होगा। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, हमें उस जो वो जो लैंप था उस लैंप से वो जो पीले कलर की सोडियम लैंप से वो जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए चार ये भी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो कि दिया रहेगा, एम क्या है ऑर्डर ऑफ रिंग, एन भी ऑर्डर ऑफ रिंग है, डी क्या है डायामीटर ऑफ रिंग, ये भी डायामीटर रिंग है लेकिन अलग अलग ऑर्डर के रिंग का, यानी कुल मिला जुला के हमें लैम्डा निकालने के लिए बार बार एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें वो जो रिंग बनेंगे उनका हमें डायामीटर निकालना होगा, उसका व्यास निकालना होगा हमें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले यहाँ आईपीस से यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो रिंग्स बने हुए हैं, जो फ्रिंजेस बने हुए हैं वो कैसे बने हुई हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे ये बीच में सेंटर है, फिर ये एक साइड का केवल मैं रिंग दिखा पा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल सर्कुलर होता है। और ये जो रिंग्स होते हैं ये आप एक बड़े स्क्रीन पे में बने हुए हैं तो इसको आप खिसका भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये अगर टर्मिनल है, ये टर्मिनल, इसको मैं घुमाऊंगा तो वो रिंग्स आगे पीछे खिसकेंगे और उसमें एक ये क्रॉस वायर भी एक आप देख पा रहे होंगे, ये एक क्रॉस वायर आपको एक ये क्रॉस वायर दिखाई दे रहा होगा, इसी क्रॉस वायर को हम रख के रीडिंग लेते हैं। तो वो रीडिंग लेना पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे ये रीडिंग लिया जाता है और इसका लिस्ट काउंट देखते हैं। और ये रिंग आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये रिंग जो है इस प्रकार से, ये रिंग इस प्रकार से अगर मैं ये नॉब घुमाऊँगा तो ये रिंग आगे पीछे खिसकते रहते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये रिंग इस प्रकार से ये खिसक रहा है, ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए ये रिंग। तो जिस भी हमें नंबर पे रिंग पे क्रॉस वायर रखना है हम ये वहाँ पे सेट कर देते हैं। आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये जो वर्नियर स्केल जो ये सर्कुलर देख रहे हैं इसी को घुमाना है। इसको घुमाने से क्या होता है, ये जो रिंग्स जो बन रहे हैं वो रिंग्स हॉरिजॉन्टली या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे इसके घुमाने से। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्केल भी शिफ्ट होता रहता है आगे पीछे यहाँ से। तो इसको दरअसल यहाँ से समझाना मुश्किल है, मैं थोड़ा इसको पेन पेपर से समझा रहा हूँ। अब इसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ पेन पेपर से। देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ये इस प्रकार से ये सेंटर में पूरा ब्लैक दिखाई देगा, ये मान लीजिए ये पहला रिंग है और ये वाला दूसरा रिंग है और ये वाला तीसरा रिंग है और ये चौथा, इसी प्रकार बहुत ढेर सारे रिंग बने होते हैं। हमारा पूरा जो इस एक्सपेरिमेंट में करना है हमें चार पांच जो ये रिंग्स बने हैं उनका डायामीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर का एरिया मैं राइट साइड बोल रहा हूँ, उसके सेंटर से इधर का एरिया लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ। तो एक बार करेंगे कि हम राइट साइड ये चौथे वाले रिंग पे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रॉस वायर रख देता हूँ और यहाँ से अभी मैं रीडिंग लेना आपको दिखाऊंगा वर्नियर और मेन स्केल का। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई रीडिंग ले लेता हूँ तो मैं इस रीडिंग को नाम देता हूँ, मान लेते हैं X2 नाम दे देता हूँ। फिर मैं उसी गोलाकार वर्नियर स्केल का यूज करके ये पूरे रिंग को खिसकाऊंगा इस साइड, जिसके कारण मेरा क्रॉस वायर ऑटोमेटिक इधर खिसकता चला आएगा। और मान लीजिए फिर मुझे फिर से उसी चौथे रिंग पे इधर लाके रखना होगा, क्यों, क्योंकि मैं चौथे रिंग का ही तो डायमीटर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो अगर राइट हैंड साइड में आपने ये क्रॉस वायर चौथे रिंग पे रख के ये रीडिंग अगर आपने कैलकुलेट किया X2, ये रीडिंग अभी मैं कैलकुलेट करना बताऊँगा X2, तो फिर से इस डायमीटर को यहाँ पे लाके आप इसी रिंग पे रखेंगे और यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे आप रीडिंग में, मान लेता हूँ ये है X1।
तो एक ही नंबर के रिंग के लिए आप दो रीडिंग लेंगे, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। फिर बाद में इसका डायामीटर क्या है, यही है ना, तो x2 में से x1 को घटा देंगे क्योंकि स्केल यहाँ जीरो से शुरू हुआ है। आप उस मशीन में देखेंगे स्केल जीरो से शुरू हुआ है, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो बचेगा ये दूरी, और यही हमें कैलकुलेट करना है कई रिंग्स का। तो यहाँ पर ये जो वेरियस टर्म आ रहे थे एम और एन, तो मान लीजिए मैं पहली बार जो वो है वो चौथे रिंग के लिए करता हूँ, तो मेरा एम बराबर क्या हो गया, M बराबर चौथा रिंग हो गया। फिर उसके बाद यहां पे चौथे रिंग करने के बाद मैं मान लीजिए सेम प्रोसेस तीसरे रिंग के लिए करता हूं, तो N बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार ये मैं पूरा प्रोसेस करूंगा। तो यहां पे जरा एक बार इसके टेबल पे ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रैक्टिकल में किया गया है ये तीसरे रिंग के लिए। तो तीसरे रिंग के लिए इन्होंने यहां पे ये इसका मेन स्केल, अभी मैं वहां बताऊंगा, ये मेन स्केल वर्नियर स्केल को मिला के टोटल रीडिंग इनका आया ये राइट हैंड साइड के लिए। फिर उन्होंने उसको राइट हैंड साइड लेने के बाद फिर वो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका रीडिंग लिया, ये मेन स्केल वर्नियर स्केल टोटल आया 4.6। अब देखिए 4.907 4.6, इन दोनों को जब घटा देंगे तो ये हमारा डायामीटर मिल गया किस रिंग का, तीसरा। फिर उसके बाद हम इन्होंने छठवें रिंग के लिए किया है, यानी ये मैंने सिर्फ चार के लिए बनाया है, पांचवा छठवां रिंग भी होगा। तो छठवें रिंग पे भी एक बार क्रॉस वायर राइट हैंड साइड में रखा, तो फिर उसके लिए भी मेन स्केल वर्नियर स्केल दोनों को जोड़ देंगे टोटल स्केल। फिर वो लेफ्ट साइड में गए होंगे उसी रिंग पे, छठवें रिंग पे, फिर उसका मेन स्केल वर्नियर स्केल और यहाँ पे टोटल, फिर यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का रीडिंग और राइट हैंड साइड का रीडिंग घटाने पे ये आ गया डायामीटर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये रिंग बढ़ता जाएगा, जैसे चौथा के बाद पाँचवा छठवा सातवां, तो आप देख रहे हैं डायामीटर भी उनका बढ़ता जा रहा है। ये तीसरे रिंग का डायामीटर, ये छठें और ये नौवें रिंग का डायामीटर, तो ये डायामीटर बढ़ता जा रहा है। फिर क्या करेंगे, जब हमें ये कैलकुलेट करना होगा, मान लीजिए मैं छठवें वाले को m मान लेता हूँ तो कोई बात नहीं, तो छठवां m बराबर 6 हो गया, तो छठवें रिंग का डायामीटर का स्क्वायर माइनस, फिर n बराबर 3 मान लेता हूँ, तो तीसरे रिंग के डायामीटर का स्क्वायर बटे 4, r की वैल्यू आपको मिलेगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे r बराबर 2 सेंटीमीटर का ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। फिर m माइनस n, m यानी 6 माइनस 3, एक वेवलेंथ आ जाएगा। दूसरे कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, m इसको मान लेते हैं, n इसको, तो dm यानी डायामीटर, m बराबर 9 है तो नौवें रिंग के डायामीटर का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस n, तो इस बार मैं छठवां ले लिया हूं, तो ये हो जाएगा छठे इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये मतलब अगर इसको m तो इसको n, इसको m तो इसको n, इसी प्रकार से आप मान सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, बस जो लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही डायामीटर लीजिएगा। और यहाँ पे m माइनस n, तो इस बार m बराबर 9, n बराबर 6। जैसे यहाँ पे देखिए वेरियस कैलकुलेशन किया गया है, देखिए ये पहला वाला कैलकुलेशन देखिए, इन्होंने डायामीटर m वाला डायामीटर लिया है, तो m वाला डायामीटर ये रहा, फिर उसके बाद n वाला डायामीटर का स्क्वायर ये रहा यहाँ पे ये, फिर उसके बाद बटे नीचे 4, r की वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, फिर 9 माइनस 6, फिर उसी प्रकार दूसरे रीडिंग में इन्होंने m 9 को मान लिया, n 3 को मान लिया, वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से पूरा ये लैम्डा आ जाएगा। अब पूरा ये बचता है कि हम ये रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए मान लीजिए कि मैंने ये क्रॉस वायर लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पुट कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक रीडिंग लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्रॉस वायर किसी रिंग पे सेट करना है, तो मान लीजिए मैं इसको घुमाते घुमाते उस पे ले जाके ये सेट कर देता हूँ, और अब उसी पे मैं ये छोड़ देता हूँ बिल्कुल, इसको अब यहाँ पे मैं टच नहीं करूँगा, अब ये मैं छोड़ दिया, तो ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। जैसा कि आप रीडिंग में देख पा रहे थे, एक वर्नियर स्केल था, एक मेन स्केल था। तो पहले मेन स्केल पे यहाँ पे आइए, ये देखिए ये मेन स्केल पे जो यहाँ पे ये सारे रीडिंग लिखे गए हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये है 0, ये है 10, ये 20, ये जो है ये 10 मिलीमीटर में है, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 50, 60, इस प्रकार से ये मिलीमीटर में है। यानी अगर आप या तो मिलीमीटर में लिखिए या सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो देखिए एक एक जीरो हटा दीजिए इसका, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये एक सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, इस प्रकार सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये एक नॉब है, यहाँ पे ध्यान देंगे इस एरिया में, मैं ज़रा इसको फोकस कर दूँ, हाँ देखिए ये 0,
ये ज़ीरो वाला ये नॉब देखिए इस समय कहाँ पे है, तो देखिए मैं इसको मिलाता हूँ, ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर के बाद इसका वाला जो ज़ीरो है 4 और वहाँ पे 1, 2, 3 तीसरे पे है, इसका 0, 4 के बाद वो तीसरे खाने पे है। तो मेन स्केल हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकाल लेता हूँ। मेन स्केल लिस्ट काउंट लेने के लिए कहीं भी देख लीजिए, ये देखिए 10, 1, ये देखिए ये 10 से 20 यानी 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर जाने में 10 खाने हैं। तो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट आएगा वो सेंटीमीटर में कितना आएगा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जाने में 10 खाने छोटे छोटे हैं, तो एक छोटे खाने का मान हो गया 1 सेंटीमीटर बटे 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मान हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ये था ही, 4 के बाद 3 और खाने हैं, तो 4 सेंटीमीटर + 3×10.1 यानी 4.3 सेंटीमीटर में मेन स्केल लिखूँगा, क्योंकि ये 0 ये 4 के बाद 40 नहीं, अब इसको 4 पढ़िएगा, 4 के बाद 3 खाने पे है। तो जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे अपना रीडिंग लिखा था, इनका 9 यानी 4 के बाद 9 खाना पे रहा होगा, इसलिए उन्होंने 4.9 लिखा, हम लोग 4.3 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया, वर्नियर देखेंगे। अब जब ये मेन हम लोग देख लेंगे तो अब यहाँ वर्नियर पे आएंगे। ये देखिए वर्नियर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्नियर का ये जो 0 है ये इसके किस खाने पे है, यहाँ पे देखिए ये 60 है, 61, 62, 63, 64, 65 पे है, ठीक है, ये 0 65 वाले पे है, क्योंकि 65 के बाद ये 66, 67, 68, 69 इधर 70 है, तो ये 0 65 पे है। तो अब वर्नियर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वर्नियर का लिस्ट काउंट बहुत सिंपल है। देखिए मेन स्केल जो था, मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 खाने थे, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया था, मेन स्केल का लिस्ट काउंट यहाँ पे हो गया था 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। अब जो वर्नियर है उस वर्नियर में 100 खाने हैं, आप ये गोलाकार वाला देखेंगे ये 70 है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये 70, फिर ये 80, फिर ये 90, ये फिर से 0 यानी 100, यानी 100 खाने हैं। तो लिस्ट काउंट वर्नियर का कितना हो जाएगा, मेन स्केल का लिस्ट काउंट आया था 0.1 बटे, वर्नियर में 100 खाने हैं तो 0.1/100 और ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ये हो गया वर्नियर का लिस्ट काउंट। तो देखिए हमने वर्नियर तो मैं यहाँ से चेंज कर दिया, लेकिन आपको याद है वो 65वें खाने पे था, तो वर्नियर में हम क्या लिखेंगे, 65×0.001। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ये वर्नियर का रीडिंग, तो ये आएगा 0.065, ये हमारा वर्नियर का आ गया। तो मेन हमारा टोटल रीडिंग कितना हुआ, देखिए 4 मेन स्केल पे था, उसके बाद 3 खाने आए और थे तो 0.3, ये मेन स्केल का पूरा हो गया 4.3 सेंटीमीटर। इसके बाद वर्नियर पे कितना है, 0.065 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4.365 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से इसका रीडिंग लिया जाता है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हर जगह जो भी हम इस रिंग पे सेट करेंगे उसका पोजीशन नोट कर लेंगे, और बाकी सब मैंने ये टेबल से आपको बता दिया है डायमीटर कैसे लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका रीडिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आता है न्यूटन्स रिंग के वाइवा का बात। देखिए इसमें हमें मोनोक्रोमेटिक जो सोडियम लाइट है उसका वेवलेंथ निकालना है, तो इसमें वाइवा बहुत से बन सकते हैं। पूरा ये जो सोडियम लैंप का जो वेवलेंथ है सोडियम लाइट का वो कितना होता है, तो वो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा उसका वेवलेंथ क्या होता है, कितनी लाइनें होती है, 2 लाइनें होती हैं, दोनों लाइनों का वेवलेंथ बताइएगा, फिर उनका एवरेज भी बताइएगा, और सोडियम लाइट को क्या परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे या नहीं, वो सब चीज़ें वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। और ये जो सोडियम लाइट का जो वेवलेंथ है वो चूंकि पीला कलर का है, तो किस रेंज में, ये लगभग 5000 से 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट करेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये मोनोक्रोमेटिक, ये जो मोनोक्रोमेटिक है इसका मतलब क्या होता है, एक होता है मोनोक्रोमेटिक और जो एक इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी कंडीशन होता है और वो होता है कोहरेंस, कि न्यूटन्स रिंग में जो 2 लाइट बनती हैं, ये जो हमने आपको बताया था फिगर में, उसमें दोनों लाइट जो है वो कोहरेंस होना चाहिए। तो ये कोहरेंस क्या होता है, तो देखिए वो मैं बता रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसा लाइट सोर्स जिसमें किसी एक ही वेवलेंथ का लाइट उपस्थित हो, तो वो हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट।
उसके बाद आता है कोहरेंस। कोहरेंस क्या होता है, वो इंटरफेरेंस का एक जरूरी कंडीशन होता है। इंटरफेरेंस हमेशा दो लाइट के बीच में होता है, तो जो दोनों लाइट रेज होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये फिगर में, ये दो लाइट, ये दोनों लाइट कोहरेंस होने चाहिए। कोहरेंस का मतलब होता है इनके बीच में फेज डिफरेंस जो भी हो वो समय के साथ कांस्टेंट बना रहना चाहिए। और इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम एक ही लाइट को कुछ व्यवस्था करके दो लाइट में बांट देते हैं, क्योंकि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइट कभी भी कोहरेंस नहीं हो सकते। कोहरेंस लाइन प्राप्त करने के लिए हमें एक ही लाइट को किसी तरह दो लाइट में बांटना होगा, क्योंकि जो कोहरेंस का कंडीशन होता है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या जो भी फेज डिफरेंस हो वो समय के साथ हमेशा उतना ही बना रहना चाहिए। फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, यही कोहरेंसी का कंडीशन होता है। तो कोहरेंस लाइट जो है इंटरफेरेंस की एक सबसे जो है इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन, एक आवश्यकता होती है। तो ये कोहरेंस पे आप लोग देख लीजिएगा, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहरेंस हो गया, उसके बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पूरा चैप्टर आपको तैयार करना पड़ेगा इसके वाइवा में। और उसके बाद देखिए, आप लोग जो पुराने फाइल से लिखे हैं सभी लोग, सबका आंसर आया है ये 1148 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसको आप अगर एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो 11480 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। अब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ लाई करेगा इंफ्रारेड में लाई करेगा या तो माइक्रोवेव में चला जाएगा, ये विजिबल में तो है ही नहीं। जबकि जो मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइट है वो तो पीले कलर का विजिबल लाइट है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इरर आ गया है। अगर ये कम से कम आंसर, वही मैं बोल रहा हूँ, पीला कलर है तो 5000 से 6000 7000 एंगस्ट्रॉम तक आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा की लाइट रेड हो जाएगी, उसके बाद इंफ्रारेड हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे आंसर। तो इस प्रकार से न्यूटन्स रिंग के ये वाइवा और ये प्रैक्टिकल आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा इसमें कुछ। तो अब हमें जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, और ये है उसका ऑपरेटर सेटअप। ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑप्टिक्स का। ये यहाँ पे ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये मर्क्यूरी लैंप है, ठीक है। न्यूटन्स रिंग में हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोडियम लैंप लिए थे, यहाँ पे मर्क्यूरी लैंप लेंगे। मर्क्यूरी लैंप मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है, इसमें कई रंग की लाइनें होती हैं। उसके बाद यहाँ से ये लाइट चल रहा है, ये है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ से ये लाइट आएगा, इस प्रिज्म से गिरेगा, ये प्रिज्म इस मर्क्यूरी लैंप के लाइट को कई कलर में बांट देगा, वो कई कलर के लाइट यहाँ ये मुझे टेलीस्कोप से दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप लोग, ये स्पेक्ट्रोमीटर का मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोग वाइवा के लिए, और अपने आप को इस प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंट होने के लिए पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रोमीटर का पूरा बिना स्किप किए एक एक उसमें पॉइंट देखेगा स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा समझ में आएगा। मैं फिलहाल केवल इसी एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता हूँ डिस्पर्सिव का। इसका रीडिंग कैसे लेना ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें रीडिंग लेना स्पेक्ट्रोमीटर का बताने में कम से कम 30 मिनट लग जाएगा, और वो मैं पूरा ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग वो वीडियो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसमें केवल इसका पूरा प्रोसेस थोड़ा वाइवा पर ध्यान देता हूँ। तो ये जो हमारा है, ये है हमें डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल ऑफ प्रिज्म स्टडी करना है वॉयलेट एंड येलो कलर के लिए मर्करी लाइट का प्रयोग करके। तो यहाँ पे जो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला होता है वो ओमेगा बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो बटे म्यू माइनस वन। म्यू क्या है, ये है इन दोनों का एवरेज, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइनस वन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए, वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, येलो के लिए और म्यू चाहिए। अब यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। एक होता है डिस्पर्सिव पावर और दूसरा होता है रिजॉल्विंग पावर। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर में थोड़ा सा एक संबंध होता है। देखिए, रिजॉल्विंग पावर होता है ना कि जो स्पेक्ट्रल लाइनें होती हैं, जो लाल कलर या जो भी, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो 7 कलर की जो लाइनें होती हैं, वो जो लाइनें छोटी छोटी बहुत पास पास होती हैं, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट कितना रिजॉल्व कर सकता है, कितना अच्छे से उनको दिखा सकता है, वो उसका रिजॉल्विंग पावर होता है। जबकि डिस्पर्सिव पावर ये होता है कि वो जो मटेरियल है, जो प्रिज्म है, जब उनमें से वो वाइट लाइट गुजर रहा है, तो वो वाइट लाइट के जो 7 कलर है उनको वो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, मतलब कितना उनको डिस्पर्स करता है, कितना फैलाता है। तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है लैम्डा बाई डी लैम्डा। टी क्या है, प्रिज्म का थिकनेस, डी म्यू बाई डी लैम्डा। ये जो डी म्यू बाई डी लैम्डा, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब डी म्यू बाई डी लैम्डा को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग म्यू। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी
जो सात रंग के लैम्डा हैं उनके लिए अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो म्यू आएगा, वही डी म्यू बाई डी लैम्डा को, इसीलिए मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्पर्सिव पावर को ऐसे लिखते हैं, डी म्यू बाई डी लैम्डा, यानी अलग अलग वेवलेंथ के लिए वो मटेरियल जो प्रिज्म है वो कितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है। जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा उसी के अकॉर्डिंग्स वो सारे कलर डिस्पर्स होंगे, फैलेंगे। जबकि रिजॉल्विंग पावर होता है जो बटे हुए लाइन्स हैं उन लाइनों को कितने अच्छे से वो एकदम प्रॉपर अलग अलग रिजॉल्व करके दिखा दे। तो ये रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर में ये संबंध होता है। अब हम लोग थोड़ा इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। आप लोग रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रिज्म के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वायलेट और रेड के लिए लेना है तो हमें म्यू निकालना है। अब देखिएगा मेन फॉर्मूला तो ये है, हमें वायलेट कलर के लिए म्यू चाहिए, येलो के लिए और म्यू वो बाद में एवरेज करके निकाल लेंगे। म्यू का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। म्यू निकालना है वायलेट के लिए और येलो के लिए अलग अलग, तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ए क्या है? ए प्रिज्म का एंगल है जो कि आपको दिया रहेगा 60 डिग्री होता है। डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन जो है यही हमें इस पूरे ऑपरेटर्स से कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन क्या होता है? देखिए डेविएशन पहले क्या होता है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे एक मैं फिगर बनाया हूँ, पहले मान लीजिए पहले ये लाइट आ रहा था, इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन प्रिज्म लगाने के कारण अब ये लाइट अपने प्रारंभिक दिशा में न जाके यहाँ से ये मुड़ गया ना, तो अब ये मुड़ने के कारण इसके प्रारंभिक दिशा जिधर जा रहा था प्लस प्रिज्म के कारण जो मुड़ गया, उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को डेविएशन बोलते हैं। अब ये डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट पे निर्भर करता है, यानी प्रिज्म को अलग अलग आप घुमाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करेंगे तो ये भी बदलेगा। मिनिमम कब होता है इसको सेट करने के लिए, हम यहाँ पे ये प्रिज्म टेबल को घुमाते हैं और जहाँ से वो स्पेक्ट्रम एक दिशा में जाके वापस लौटना शुरू करता है वहीं पे रुक जाते हैं, यानी वो हमारा मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आ गया। वो मैंने स्पेक्ट्रोमीटर वाले वीडियो में समझाया था आप लोगों को। तो जैसे ही हम ये डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे ये फार्मूले में डेल्टा एम रख देंगे, ए की वैल्यू मैंने बताई दिया आप 60 डिग्री होता है, फिर ये म्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और ध्यान रहिएगा डेल्टा, ये जो डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन, उसको देखने के लिए जैसे अगर ये उस समय मैं अगर येलो रंग के लाइट पे अपना क्रॉस वायर सेट करूँगा तो ये येलो के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, उसी प्रकार वायलेट के लिए करूँगा तो वायलेट के लिए हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा ये ऑपरेटर से समझाता हूँ कि मिनिमम डेविएशन कैसे निकलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ से ये प्रकाश चला, इसको सीधे आना था इसी दिशा में, ये सीधे इस दिशा में जाना था, ठीक है, ये इस साइड, लेकिन बीच में पड़ गया प्रिज्म, तो अब ये प्रिज्म से क्या करेगा, ये यहाँ पे टकराया, अब ये मुड़ गया, इसने इसका दिशा चेंज कर दिया, तो जो इधर आना चाहिए था, अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे आते आते सीधे इस दिशा में निकल जाना था, लेकिन अब ये प्रिज्म से टकरा के ये इस दिशा में जा रहा है, तो मैंने टेलीस्कोप उसी दिशा में सेट कर दिया है। तो अब इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये येलो दिखाई दे रहा है, और इस साइड थोड़ा सा और इसको इधर घुमाएंगे अगर, ये देखिए वायलेट भी दिखाई दिया, तो उस साइड घुमाएंगे तो ये, मैं यहाँ पे ये येलो पे सेट कर देता हूँ, तो ये येलो पे सेट हो गया है, ठीक है। ये डार्क रूम में मैंने बल्ब जला रखा है इसलिए शायद लाइनें बहुत आपको शार्प न दिखाई दे, तो ये हमारा यहाँ पे ये येलो वायलेट पे, मान लीजिए इस समय मैंने येलो पे, ये क्रॉस वायर भी आपको इसके अंदर एक दिखाई दे रहा होगा, उस क्रॉस वायर को मैंने येलो पे सेट कर दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा येलो के लिए है, इसी प्रकार का सेम एक्सपेरिमेंट वायलेट के लिए भी करेंगे। तो देखिएगा ये इसका एक पहले मैं सीधा ये प्रिज्म हटा के एक रीडिंग पहले मैं सीधा ये प्रिज्म हटा के ले लूँगा, सीधा एकदम ये लाइट इस पर आएगा, तो अभी मैं सेट किया हूँ इसलिए उसको हटा नहीं रहा हूँ, फिर दूसरा रीडिंग ये ले लूँगा। अब ये एक सीधा आ रहा है और ये आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा डेल्टा एम होगा। तो उसके लिए देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वॉलेट जैसे येलो के लिए मैंने सेट किया, तो चलिए येलो वाला ही देखते हैं। येलो वाले के लिए अब ये रीडिंग कैसे लेना है ये आपको उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा रीडिंग ले लिया है, तो यहाँ पे एक जो है वो डायरेक्ट इमेज का रीडिंग है। डायरेक्ट इमेज का रीडिंग मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। अब ये मैं प्रिज्म को हटा देता हूँ, तो जब प्रिज्म को हटा देता हूँ तो अब ये लाइट उधर नहीं जाएगी, वो तो प्रिज्म के कारण मुड़ गया था। अब मैं अपना ये टेलीस्कोप इसके ठीक सामने लाऊँगा, तो यहाँ पर टेलीस्कोप में अब आपको नज़र आएगा एक केवल और केवल वाइट लाइट मर्करी रैम से निकलते हुए,
उसी पे क्रॉस वायर सेट करके ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट रीडिंग, यानी हमारा जो लाइट रे है वो सीधे डायरेक्ट आ रहा है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्रिज्म रख दूँगा, ये प्रिज्म रखते ही ये लाइट अब अपने पाथ से विचलित हो जाएगी और वो इधर कहीं आएगी, और जब ये इधर कहीं आएगा, जैसे देखिए ये हमने फिर से इसको आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये फिर से येलो आपको दिखाई दे रहा है और इधर वायलेट भी होगा इधर करेंगे तो ये इस दिशा में आ गया। तो इसका मतलब यही जितना एंगल है ये वाला वही हमारा डेविएशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक डायरेक्ट इमेज वाला रीडिंग आया है वो डायरेक्ट इमेज वाले रीडिंग में से और ये जो येलो का एक ये वाला रीडिंग आया है उसका डिफरेंस ले लेंगे। ये यहाँ पे ये येलो का रीडिंग आया है, ये डायरेक्ट वाला है। देखिए यहाँ पे दो रीडिंग V1 V2 होता है, वो आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये डायरेक्ट का 260 डिग्री आया है, इसका 299 डिग्री, तो 260 में से 299 घटाएंगे तो लगभग 39 डिग्री आएगा। और हमें समझ में भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, ये प्रारंभिक डायरेक्शन से ये जो मुड़ा है ये लगभग वही 30-40 डिग्री के आसपास होगा। तो यानी प्रिज्म ने इसके अपने प्रारंभिक डायरेक्शन से इसको कितना मोड़ दिया, लगभग 39 डिग्री 12 मिनट मोड़ दिया ये येलो कलर के लिए। उसी प्रकार वायलेट का भी डायरेक्ट रीडिंग दोनों का सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट रीडिंग यानी जब आपने प्रिज्म नहीं रखा था तब, तो प्रिज्म नहीं रखा था तो ये रीडिंग देखिए दोनों में सेम है। फिर ये वायलेट के लिए 301 डिग्री बता रहा है, वहाँ पे क्रॉस वायर रीडिंग कैसे लेना है वो आप उससे देख लीजिएगा। 301 डिग्री में से डायरेक्ट घटाएंगे तो इसने वायलेट को कितना डेविएट किया, 41। और ये आप लोग जानते भी हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित होता है पथ से वो कौन होता है, वो वायलेट वाला होता है। वायलेट वाले के लिए डेविएशन ज़्यादा होगा, तो ये 41 डिग्री है और येलो वाला कम होगा। रेड की लाइनें इसमें ठीक से बनती नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का जो बनता है वो और कम होगा। तो ये आ गया डेल्टा एम, तो ये रहा वायलेट के लिए, ये येलो के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला मान लीजिए ये येलो वाला 39 डिग्री लेके मैं, अच्छा ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये दो रीडिंग V1 V2 का आया है, दोनों का एवरेज ले लेंगे हम यहाँ पे। तो ये फिर उसके बाद हम वो वैल्यू, ये डेल्टा एम का देखिए यहाँ पे ये मीन लेने के बाद ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गया है। तो ये मान लीजिए ये है येलो के लिए, येलो वाला उठाइए इसमें पुट करिए डेल्टा एम, ए की वैल्यू प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिए ये रखा गया है 60 डिग्री, और इसने चूंकि पहले वायलेट के लिए किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग वायलेट का ये ले लेते हैं 41.04, यहाँ पे पुट कर दीजिए 60 डिग्री 41, ये उसका मीन और ये 60 डिग्री प्रिज्म एंगल, तो ये आ गया म्यू किसके लिए, वायलेट के लिए। सेम चीज़ येलो के लिए निकालेंगे। अब उसके बाद ये येलो और म्यू, अच्छा म्यू भी बचा है फॉर्मूले में, नीचे म्यू भी था, तो येलो और येलो और वायलेट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 3 रीडिंग मिला, एक वायलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, येलो का और दोनों का एवरेज। अब आ जाइए मेन फार्मूले पे, मेन फार्मूला ये था ओमेगा बराबर वायलेट का म्यू माइनस येलो का बटे एवरेज वाला माइनस 1, तो वही मैंने रख दिया है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू देखिएगा पूरा 1, ये येलो ये वायलेट वाला येलो वाला और ये एवरेज वाला यहाँ पे नीचे माइनस 1, और ये इसका डिस्पर्सिव पावर आ गया। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रैक्टिकल में आप ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म आपको यही कैलकुलेट करना था। आपको मिनिमम डेविएशन पोजीशन सेट करना बता देता हूँ। देखिए ये जब आप इसको सेट कर लेंगे, जैसे ये इस समय यहाँ पे देखिए ये पीले कलर पे है, तो जब ये मैं ये प्रिज्म टेबल को जब घुमाऊंगा ना इस प्रकार से, तो ये कलर्स जो है या तो एक दिशा में जाएंगे, मान लीजिए वो कलर सारे के सारे स्पेक्ट्रम इस दिशा में बढ़ते हैं, वो एक समय बढ़ेंगे इधर फिर रुकेंगे फिर वापस लौटना शुरू कर देंगे। तो जिस समय वो बढ़ा, जैसे ही लौटना शुरू करेगा वहीं पे रुक जाइएगा, उसके बाद ना तो हम प्रिज्म को टच करेंगे ना प्रिज्म टेबल को, और टेलीस्कोप के केवल टच करेंगे वो कलर पे सेट करने के लिए वायलेट या येलो पे, वही पोजीशन मिनिमम डेविएशन पोजीशन कहलाता है। क्योंकि डेविएशन हर कलर का अलग अलग होता है ना, वो इंसिडेंट ये जैसे जैसे आप ये प्रिज्म टेबल घुमाते हैं ना, तो ये इसका इस प्रिज्म पे इंसिडेंट एंगल बदलता है, इसी कारण वो डेविएशन एंगल भी चेंज होता है, और फार्मूले में हमें मिनिमम डेविएशन पे उसको सेट करना होता है। ये प्रिज्म रखते वक्त आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये जो प्रिज्म होता है, देखिए यहाँ पे प्रिज्म में ये एक रफ़ सरफेस होता है और यहाँ पे ये एक साइड और ये दूसरे साइड ये प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है। तो आप रखते वक्त ये ध्यान दीजिएगा, रफ़ सरफेस जैसे ये यहाँ पे रखिए, तो जब ये यहाँ पे ये लाइट आए तो ये इधर इस साइड इधर देखिएगा, ये प्लेन होना चाहिए इधर और इधर भी प्लेन होना चाहिए, रफ़ वाला इधर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट आएगा तो ये यहाँ पे इस सीधे यहाँ ये प्लेन वाले इस साइड के प्लेन वाले सरफेस पे गिरे,
फिर यहाँ से ये मुड़ के यहाँ पे टेलीस्कोप पे पहुँचे, और ये रफ वाला जो सरफेस है वो इस साइड हो, ठीक है। रफ वाला सरफेस कभी लाइट के, मतलब देखिएगा, एक होता है ये आपका हो गया टेलीस्कोप और ये इसका, तो मतलब इसके सामने भी प्लेन वाला होना चाहिए और ये जो देख रहे हैं इसके सामने भी प्लेन वाला होना चाहिए, और रफ वाला ये किसी के सामने नहीं होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग प्रिज्म रखते वक्त। तो इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में मैं बहुत ही जल्दी में इमरजेंसी में 4 प्रैक्टिकल आपको समझाया हूँ। ऑलरेडी 1 घंटे के लगभग का वीडियो होने वाला है, आप लोग वाइवा अपने से तैयार कर लीजिएगा। और भी अब इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, ये पूरा 1 टेक वीडियो है, इसमें न तो किसी प्रकार का एडिटिंग होगा न तो किसी प्रकार का कट, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इसको अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकल के लिए मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।